नमस्कार दोस्तों दोस्तों बचपन की गलतियों या सालों की कमजोरी, इन सभी चीजों को ठीक करने का रामबाण उपाय माना जाता है, वो है फिश ऑयल। लेकिन क्या आपको सच में फिश ऑयल को खाने के फायदे के बारे में पता है? और क्या आप जानते हैं कि इसका ओवरडोज भी खतरनाक हो सकता है? तो अगर आपको भी फिश ऑयल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है तो बने रहिएगा आज की इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको इसके फायदे और नुकसान के साथ साथ इसको फैक्ट्री में बनने वाले प्रोसेस को भी दिखाने और बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिश ऑयल, ये तेल हमें किराने के दुकान पर सरसों या रिफाइंड तेल की तरह किसी डिब्बों में नहीं मिलता है, बल्कि ये हमें कैप्सूल के रूप में कुछ ही दुकानों पर मिलता है। अब आप देख भी रहे होंगे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसको बनाने में मछली का इस्तेमाल होता होगा। जी हाँ दोस्तों, इसको बनाने में मछलियों के उत्तकों का यूज किया जाता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, EPA आइकोसेपेंटोइक एसिड और DHA डोकोसाहक्सनोइक एसिड, जो सही मात्रा में लेने पर हमारे लिए काफी फायदेमंद होता है। इसी कारण WHO भी हफ्ते में एक दो बार मछली खाने का सलाह देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो वजन घटाने से लेकर हमारी त्वचा, बाल और हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। साथ ही दोस्तों, इससे कई खतरनाक बीमारियां भी दूर रहती हैं, खास तौर पर हार्ट अटैक का खतरा कम रहता है। आपको बता दें कि ओमेगा 3 के लिए मछली को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि मछलियों से मिलने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड प्लांट से मिलने वाले ओमेगा 3 से लाखों गुना बेहतर होता है। लेकिन साथ ही इसके कुछ नुकसान भी हैं, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले आइए जान लेते हैं कि फैक्ट्री में फिश ऑयल को कैसे बनाया जाता है। तो आपको बता दे, फिश ऑयल बनाने की शुरुआत नदियों, तालाबों या फिर समुद्र से होती है, यानी कि मछलियों को पकड़ने से होती है। फिश ऑयल के लिए ऐसी मछलियां पकड़ी जाती हैं जिसमें कि प्रचुर मात्रा में ऑयल होता है, जैसे हेरिंग, सैल्मन, मैकेरल, ट्यूना आदि। तो दोस्तों, यहाँ पर फिश ऑयल मैन्युफैक्चरर सबसे पहले फिशरमैन से मछलियों को खरीदते हैं, जिन्हें वे बड़े बड़े व्हीकलों में भरकर फैक्ट्री में लाते हैं। फिर इसके बाद इन सभी मछलियों की अनलोडिंग करके इन मछलियों को अच्छे से धुला जाता है और 90 से 95 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी में 15 से 20 मिनट के लिए उबाला जाता है, जिससे यह मछलियाँ थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। फिर इसके बाद इन सभी सॉफ्ट हुए मछलियों को एक स्क्रू प्रेस मशीन में डाला जाता है, जहाँ मशीन इन मछलियों को अच्छे से प्रेस करती है। प्रेस होने की वजह से मछलियों में उपस्थित पानी अलग हो जाता है और बचे हुए हिस्से को अलग निकाल लिया जाता है। फिर इसे कन्वेयर बेल्ट की मदद से सुखाने के लिए फैक्ट्री के ड्राई आउट सेक्शन में भेज दिया जाता है। यहाँ इसे 75 डिग्री सेल्सियस पर फिर एक बार सुखाया जाता है। अब इस प्रोसेस के बाद ड्राई फिश के चूरे को एक ग्राइंडर में भेजा जाता है, जो इसे जरूरत के अनुसार ग्राइंड कर देता है। अब यह इन सभी प्रोसेस से होकर आने की वजह से यह बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। इसी वजह से इसे कुछ देर नॉर्मली ठंडा किया जाता है। अब ठंडा हो जाने के बाद इसे सेग्रीगेशन सेक्शन में भेजा जाता है, जहां आवश्यक और अनावश्यक हिस्से को अलग कर लिया जाता है और इसी दौरान इसकी क्वालिटी को भी काफी अच्छी तरीके से चेक किया जाता है। फिश ऑयल न कि सिर्फ स्पोर्ट्समैन, जिम करने वाले, बल्कि आम लोगों के लिए भी रिकमेंड किया जाता है। इसीलिए छोटी मोटी कमियों को भी काफी सीरियसली लिया जाता है और प्रोडक्शन के दौरान ही सभी कमियों को ठीक कर लिया जाता है। अब बारी आती है उस लिक्विड की, जिसे स्टार्टिंग में प्रेस मशीन से अलग किया गया था। तो उस लिक्विड को सबसे पहले फिल्टर कर लिया जाता है। इसके बाद इस फिल्टर लिक्विड को पहले हॉट टैंक में, उसके बाद इस सेंट्रीफ्यूग टैंक में भेज दिया जाता है, जहां इसमें से प्रोटीन, वाटर और ऑयल को अलग करने का काम किया जाता है। अब इस प्रोसेस के बाद ऑयल को एक कैप्सुलेशन सेक्शन में भेजा जाता है, जहां पर जेल से बने कैप्सूल को तैयार किया जाता है, जिसके लिए उसे एक खास तरह के लिक्विड में नहलाया जाता है, जो कि सॉफ्ट जेल को बनाता है। शुरुआत में सॉफ्ट जेल बहुत ही ज्यादा ढीली होती है, लेकिन इसमें लगा ऑयल जब धीरे धीरे रिमूव होता है, वैसे वैसे वो हार्ड होता चला जाता है। फिर इन कैप्सूल को सूखने के लिए एक फिक्स्ड टाइम तक छोड़ दिया जाता है। अब ये मशीन इन कैप्सूल को काउंट करने के साथ साथ इनकी क्वालिटी को भी चेक करती है।
देखने वाली बात यह है कि फिश ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री में 50 मिलियन फिश ऑयल कैप्सूल्स बनाए जाते हैं। वहीं हर एक क्वालिटी चेक में पास होने के बाद फिश ऑयल को ग्रेड के हिसाब से नाम दिया जाता है, जैसे कि रिफाइंड फिश ऑयल, ब्लॉन्ड फिश ऑयल, विंटराइज्ड फिश ऑयल। इसके बाद अंत में बारी आती है फिश ऑयल कैप्सूल्स को बॉटलों में पैक करने की। इसे बॉटलों में पैक करने के लिए कन्वेयर बेल्ट के जरिए बॉटलों को एक नोजल के नीचे लाया जाता है, जहाँ से एक फिक्स्ड काउंटेड अमाउंट में कैप्सूल्स बॉटल में गिरते जाते हैं और फैक्ट्री में सारा काम खत्म हो जाने के बाद इसे बाजारों में भेज दिया जाता है। वैसे तो एक आदमी को 250 से 500 mg के बीच ही फिश ऑयल कैप्सूल खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन अगर आप इसे जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो आपको कुछ दुष्परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं, जैसे कि नाक से खून आना, शरीर में खुजली होना, डायरिया, बदहजमी या फिर उल्टी की शिकायत हो सकती है। इसलिए फिश ऑयल को कितना कंज्यूम करना है अपने डॉक्टर से ये एक बार सलाह जरूर ले लें, ताकि हेल्दी चीज आपके लिए अनहेल्दी ना हो जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर जरूर बताएं।